नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के सनौदा थाना अंतर्गत ग्राम खड़ेरा भान में जानकी लोधी पति जलाम लोधी उम्र 29 साल की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों की माने तो महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या किया है। मौके पर पहुंचे नायाब तहसीलदार वैभव बैरागी और सनौदा TI चंदन सिंह परिहार ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं जब मायके वालों ने न्याय की गुहार लगाया तो पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने पैनल द्वारा कराने की बात की। मृतक महिला के गले में नाखून के निशान है और मुंह से रक्त निकल रहा है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ये लोग हमारी बहन के साथ काफी दिनों से मारपीट करते थे। वहीं उसका पति क्रेशर पर काम करता था और उसने बताया कि इनका मेंटली इलाज सागर एवं ग्वालियर में चल रहा था। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मामला है सर? अभी सुबह टाइम में सूचना प्राप्त हुई थी कि सनौदा थाना अंतर्गत ग्राम खड़ेरा भान में एक महिला की कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई है। उसको वहां से रिकवर किया गया है, बाहर निकाला गया है। बॉडी में चोट के निशान भी हैं और जांच करने के लिए पैनल से जांच करने के लिए रिकमेंड करके और जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। क्या लग रहा है, ये हत्या है? अभी तो PM रिपोर्ट आने के बाद ही और आवश्यक जांच करने के बाद ही आ पाएगा इसके ऊपर। प्रथम दृष्टया तो चोट के निशान है और कुएं से उनको रिकवर किया गया। क्या मामला है? तो क्या इसमें हत्या की आशंका है सर? अभी पैनल के द्वारा PM करा रहे हैं, जैसे पोस्टमार्टम